मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कई ऑपरेशन हो चुके थे, कंटूर कैसे बनाना है, ज्योमेट्री कैसे बनानी है, ये हमारे टोटल यहाँ तक हो गया था 14 नंबर तक वेरिएबल पिच। लास्ट ड्रोल जो हमने बनाया वो बनाया था वेरिएबल पिच हेलिक्स का। ठीक है, आज हमने करना है इसमें 14th नंबर ओनली डिस्प्ले एसोसिएट ज्योमेट्री, 15th नंबर ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ, डिस्प्ले ऑप्शन इन टूल पाथ एंड सॉर्टिंग। अगर हमारे पास तो बहुत सारे ऑपरेशन बने हुए हैं तो उनको सॉर्ट कैसे करना है, तो ये हमारी ड्राइंग है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इन सबको हमारे को देखना कैसे है और उनको सॉर्ट कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ओनली डिस्प्ले एसोसिएट ज्योमेट्री। अभी जो मेरा टूल पाथ है और जो स्केच है वो सारा कुछ नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ भाई जो मैंने ऑपरेशन सिलेक्ट किया, मान लो ये मैंने 4 नंबर पीक ड्रिल सिलेक्ट किया तो मेरे को उसी का स्केच नज़र आए, मुझे बाकियों का स्केच ना नज़र आए। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा तो सिर्फ मुझे उसी 4 नंबर का दिखेगा। अगर मैं 6 नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा तो 6 नंबर का स्केच नज़र आने लग जाएगा, 5 को सिलेक्ट करूँगा तो 5 का, जिस ऑपरेशन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा उसका स्केच नज़र आने लग जाएगा, बाकियों का स्केच नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है क्योंकि हमारे को टूल पाथ सारे नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ मैं जिस ऑपरेशन को सिलेक्ट करूँ उसका ही स्केच और उसी का टूल पाथ नज़र आए। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ, इसको ऑन कर देंगे तो जिस पर मैं क्लिक करूँगा सिर्फ वही टूल पाथ नज़र आएगा, बाकी के टूल पाथ हाइड हो जाएंगे। बट हमारी प्रॉब्लम अभी भी वही है कि हमारे को टूल पाथ और ज्योमेट्री दोनों देखने, तो इन दोनों को इकट्ठा ऑन कर दो तो जिस टूल पाथ पे मैं जाऊँगा सिर्फ उसी की ड्राइंग और उसी का स्केच नज़र आने लग जाएगा, जिससे हमारे को देखने में और उसको मॉडिफाई करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो जो हम चाहते हैं ऑपरेशन देखना उस पर क्लिक कर दो जिस पर टिक लगा होगा। अगर हम यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करके कर देंगे तो सब पे टिक लग जाता है। ठीक है, तो सारे नज़र आने लग जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर देखना है तो पर्टिकुलर देख सकते हैं, अगर मुझे सारे देखने हैं तो मैं सारे भी देख सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को बंद कर दूंगा तो ये ऑप्शन बंद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये थी। सेकेंड चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा टूल पाथ मैनेजर है यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोलैप्स की भी ऑप्शन होती है, जिससे ये सारी ऑप्शंस जो हैं कोलैप्स हो जाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से कोलैप्स कर दो। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड भी हो जाते हैं। तो हम इनको यहाँ ऐसे भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे को ज़्यादा जो पर्टिकुलर देखना है हमारे को उसको मैं ओपन कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा टूल पाथ होता है, अब इसमें कई चीज़ें नज़र आ रही हैं, टूल पाथ नज़र आ रहा है, उसका साइज़ नज़र आ रहा है, प्रोग्राम नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पैरामीटर में इसका प्रोग्राम नंबर चेंज कर देता हूँ टूल का, यहाँ देखो ये टूल है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो जो हम नंबर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारे को वहाँ नज़र आने लग जाता है, हेड का क्या नंबर है, इसका क्या नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे टूल का नाम क्या है, जो वो सारी डिटेल हमारे को यहाँ पे नज़र आ रही है। फ्लैट एंड मिल 8 है, ठीक है, हैश नंबर हैश 5 है। ठीक है, तो अगर मेरे को नई ऑप्शन देखनी तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन की ऑप्शन है, तो जो जो चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे टूल पाथ का साइज़ नहीं देखना तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, टूल पाथ भी नहीं देखना इसको भी बंद कर सकता हूँ। ओके, तो वो चीज़ हमारे को नज़र आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ मशीन नहीं देखनी, आपको टूल प्लेन नहीं देखना, जो जो चीज़ें आपको नहीं देखनी उनको बंद कर दो, तो वो चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा ना हो, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वही चीज़ ऑन कर लो। ठीक है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है उनको ऑन कर लो, हमने सारी चीज़ें ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो ऑपरेशन है उनको मैं करता हूँ एक्सपेंड। ठीक है, प्लस वाले पे क्लिक करने से भी हो जाता है।
एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, वो है कि ये सारे जो ऑपरेशन हो रखे हैं इनको हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब सॉर्ट करने का क्या मतलब है कि सपोज करो मुझे 6 का एंड मिल से कोई काम करना है या 10 के एंड मिल से कोई काम करना है, ठीक है, तो 4 बार हमारे को 10 का एंड मिल यूज़ करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार टूल चेंज ना करना पड़े, तो मैं एंड मिल एक बार ही लगाऊं और कि वो चारों ऑपरेशन एक बार में हो जाए, पहले वो हो जाए फिर उसके बाद अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर आर्ट का ड्रिल चाहिए तो वो ड्रिल के जितने बार यूज होगा वो पहले एक बार इकट्ठे हो जाए, मतलब शॉर्ट कर सकते हैं हम। तो हमारे को क्या करना है, टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे खाली जगह में इसको राइट क्लिक करो, यहाँ पे शॉर्ट। अब शॉर्ट किस चीज़ के अकॉर्डिंग करना है, मैंने कहा कि मुझे ऑल ऑपरेशन को करना है और टूल के डायामीटर के हिसाब से, ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखो सारे टूल के डायामीटर के हिसाब से ये शॉर्ट हो जाएगा, 6 का 8 का फिर उसके बाद 12 का, ठीक है। अगर आपको टूल टाइप के हिसाब से करना है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्लेन के हिसाब से कर सकते हैं, टूल पाथ का साइज़ भाई कौन, ये 7.6 है, ये 4.5 है, ये हमारा जो है 44 है, तो ये टूल पाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, तो पहले बड़ा जिसमें ज़्यादा हो रहा है फिर उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके हम ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉर्टिंग की जगह अनसॉर्ट भी कर सकते हैं, ये वापस अनसॉर्ट हो जाएंगे, मतलब जो भी आपको चीज़ सॉर्ट अनसॉर्ट करनी है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाए, ठीक है। आप टूल पाथ के साइज के क्रिएटर और क्रिएशन ऑर्डर में किस ऑर्डर में क्रिएट हुए थे, ठीक है, अगर इसको ओके कर देंगे तो ये देखो ये चेंज हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ वो हमारे को दिखने लग गया, फिर उसके बाद हमने कौन सा किया, उसके बाद हमने कौन सा किया, ठीक है, तो वो चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे को डेली रूटीन में काम आती हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली किसी भी टूल पाथ के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ ना तो वेरीफाई होने लग जाता है, इसलिए वो विंडो बार बार खुल जाती है, तो जो चीज़ आपको चाहिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले ऑप्शन हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो हमारा टॉपिक नंबर था एसोसिएट ज्योमेट्री वो हमने कर लिया, डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ वो भी हमने कर लिया, डिस्प्ले ऑप्शन टूल पाथ ऑप्शंस हमने देख ली कि कौन कौन सी चीज़ हमारे को उसमें देखनी है या नहीं देखनी, सॉर्टिंग भी हमने देख ली, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ टूल पाथ के अंदर, यहाँ पे हाइड की भी टूल पाथ होती है, अगर मैं टूल पाथ के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा टॉगल डिस्प्ले तो ये हाइड हो जाते हैं, जिसको सेलेक्ट करके ऑन कर दूँगा तो वो टूल पाथ हमारे को ऑन ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लॉक भी कर सकता हूँ किसी भी टूल पाथ को तो वो लॉक हो जाएगा, फिर हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस टूल पाथ को हम सेलेक्ट करके लॉक लगा देंगे फिर वो एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है, या रीजनरेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसको सेलेक्ट करके अनलॉक कर देते हैं, सबको लॉक लगाना है या सबको अनलॉक लगाना है वो हमारी मर्जी है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये हमारे टोटल 21 ऑप्शंस हैं जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स में कर रहे हैं, तो हमारी ये 17 तक हो गई है, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर 19 नंबर और 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये मेरा नंबर है, अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाएं तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और जो भी फ्रेंड सर्कल है उन सबको वीडियो शेयर कर लीजिए।